आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु चैप्टर। चैप्टर का नाम है परमाणु, और परमाणु और नाभिक दो चैप्टर है, साथ ही साथ है, और उन दोनों के मिलाकर 6 नंबर का चैप्टर है ये पूरा। पहले एक ही चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 चैप्टर हो गए हैं। परमाणु पढ़ने से पहले अपन मैं थोड़ा सा 9th-10th क्लास में ले जाकर पदार्थ के बारे में बताऊंगा। पदार्थ क्या होता है? अपन इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें अपने को दिख रही है, जिसको अपन देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सारी की सारी चीजें जिससे बनी हुई है वो पदार्थ कहलाता है। जो कोई भी वस्तु है, अगर इसको फिजिक्स की भाषा में या साइंस की भाषा में अगर समझा जाए, तो ऐसी वस्तु है जिनका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ। करेक्ट आंसर यही है इसका। वे वस्तु है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अपने पुराने जो विद्वान हुआ करते थे, अपने भारतीय, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में वर्गीकृत? 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5, जिन्हें पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पंच तत्व। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान के अंदर पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। और अपन ऐसे भी कहावतें सुनी हैं कि ये पंच तत्व का शरीर है, लास्ट में वापस पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है। तो अपने जो भारतीय दार्शनिक थे या विद्वान थे, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। वो कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ओके। उसके बाद आज के युग के जो विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब इसकी छोटी छोटी बातें अपने को पता है। ठोस में क्या है? अणु परमाणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। अगर इसी तरीके से एक और बात साथ में ली जाए कि इनके अणु और परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। इनके अंदर आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होता है और इसमें बहुत कम होता है या नगण्य हो सकता है। अपन ये कह सकते हैं कि इनके अंदर, गैस के अंदर, अणु परमाणु के बीच में जो बल लगता है वो क्या लगता है? नगण्य लगता है, बहुत कम लगता है। बात यहां तक क्लियर है? उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी अभी लेटेस्ट 2 तरीके के और पदार्थ में इसको डिवाइड किया है। पदार्थ को मोटे रूप से 3 में डिवाइड किया है, ठोस, द्रव, गैस, और अब 2 अवस्थाएं इसकी और बता दी गई है। 2 अवस्थाएं कौन कौन सी बता दी गई है? एक तो बताया है प्लाज्मा। क्या बताया है? प्लाज्मा, जो सूर्य के अंदर पाया जाता है। और एक दूसरा होता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो बोस हैं ये अपने हिंदुस्तान के हैं, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और कंडेंसेट का मेटर को ही इंग्लिश में नाम दिया गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका अभी हालांकि इतनी ज्यादा अपने स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि पदार्थ को अब आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर पदार्थ को 5 भागों में वर्गीकृत कर लिया है। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी शॉर्ट में। ठीक है, अभी अपने को फिजिक्स में हालांकि ये नहीं पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ किससे बना है? अणुओं से बना है। किससे बना है पदार्थ? पदार्थ बना है अणु से। ओके, और अणु बने हैं परमाणु से। किससे बने हैं? परमाणु से। ये अपने टॉपिक का नाम आ रहा है। अब बात आती है परमाणु होता क्या है। ये पदार्थ है, पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, काटा जाए, तो अपने को अणु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अणु। अणु, अणु को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, बांटा जाए, तो वो परमाणु। अगर अपन डेफिनेशन बनाना चाहें इसके लिए, कह सकते हैं कि पदार्थ का बहुत छोटे से छोटा भाग जिसे परमाणु कहलाते हैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ, पदार्थ का बहुत छोटे से छोटा भाग जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी बहुत जन्म दी है। उनमें से पहला है परमाणु के बारे में जानकारी देने वाला डाल्टन। डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, डाल्टन ने बताया, जिसे अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत,
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? हालांकि ऐसे तो अपन समझे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसकी मेन बातें समझ लेते हैं। पहला परमाणु के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा सिद्धांत हुआ? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या बात बताई? पहली बात बताई इसमें कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहली पॉइंट क्या है? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो जो छोटे कण है उन्हें नाम दिया गया है परमाणु। बात ठीक है, एक बात क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने बताया कि एक पदार्थ के सारे परमाणु एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। एक पदार्थ के सारे परमाणु समान होते हैं। बात क्लियर। थर्ड बात इसने बताई, अलग अलग पदार्थों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली इसको और अपन अलग अलग तरीके से और भी बोल सकते हैं कि एक ही पदार्थ के सारे परमाणुओं का आकार समान होता है, त्रिज्या समान होता है, द्रव्यमान समान होता है, और अलग अलग पदार्थों के ये सारे के सारे अलग अलग होंगे। क्लियर? ये अपना एक क्लियर होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, मैं यहां लिखता हूं, थॉमसन। थॉमसन जिसको थॉमसन भी कहा जाता है अलग अलग नाम है। थॉमसन, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत पूरा नाम यह है, और थॉमसन के परमाणु सिद्धांत को अपन तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल। ओके, तरबूज मॉडल। और इसी का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग। ये बहुत सी बार पूछा गया, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन के द्वारा। और इसलिए थॉमसन ने कहा क्या कि परमाणु जो है वो तरबूज के जैसा होता है। परमाणु किसके जैसा होता है? तरबूज के जैसा होता है। और तरबूज के अंदर जो लाल लाल भाग होता है वो धनावेश की तरह होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के अंदर बीज की तरह होते हैं। बात क्लियर है? थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु तरबूज की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉन तरबूज के अंदर जैसे बीज फंसे रहते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है वैसे ही धनावेश होता है। मात्रा के अंदर धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, ये कहता है थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी आया, वो उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10th क्लास में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 12th क्लास के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। उसको अपन डिटेल में समझते हैं। ये इसी को लिखना इसी तरीके से है जैसे जैसे मैंने बोला है, स्पष्ट रूप से पॉइंट वाइज इसको लिखना है, बाकी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखना है। ठीक है,